और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। ऐसे में बागली में मतदान के लिए मतदान दल को रवाना किया गया, जहां जिले के उत्कर्ष स्कूल को चुनाव सामग्री वितरित की गई है और यहां वितरण केंद्र बनाया गया। एसडीएम आनंद मालवीय ने बताया कि खंडवा लोकसभा में बागली के लिए 297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 14 आदर्श मतदान केंद्र और 59 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। वहीं एसडीओपी ने बताया कि कलेक्टर और एसपी के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ बल पूरी तरह से तैनात रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीष्मकाल है, तापमान अत्यधिक है, तो हमने आज सुबह 6 बजे से ही पोलिंग पार्टी आना चालू हो गई थी। स्ट्रांग रूम समय पर खोल के सभी को सामान वितरण कर दिया गया है और अभी हमारे एक पोलिंग पार्टी की बस रवाना भी हो चुकी है। धीरे धीरे सभी रूटों पर, जो कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे बागली विधानसभा में 62 रूट हैं, 62 रूटों की बसें लगातार रवाना हो रही है। को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय ने जो दिशा निर्देश दिए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर सभी जगह बल को पहुंचा रहा है। आज सेक्टर मोबाइल तैनात हो चुकी हैं, सीआरपीएफ का बल आ चुका है, हम डीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी तक हमारा 50% बल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो सबको भोजन करके उनके गंतव्य तक रवाना कर रहे हैं।